अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट ट्राइफल। और ये मेरा बिल्कुल फर्स्ट वीडियो है जो मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं इस टाइम जो हूँ वो आज एक्चुअली हमारी बकरा ईद आदे वीडियो बनाती हूँ और अपने व्यूअर्स के साथ जो है वो शेयर करती हूँ कि किस तरह आप लोग हैं अपने ट्राइफल को डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जी। मैंने एप्पल लिया है इसके छिलके के साथ, क्योंकि फाइबर जो है सारा वो इसके छिलके में होता है। हम लोग पता नहीं क्यों ऐसे फ्रूट्स जिनके कवर हम खा सकते हैं हम इनको क्यों उतार देते हैं। तो आप लोग प्लीज़ कोशिश किया कीजिए कि फ्रूट को जो छिलके के साथ खाया जा सकता है उसको ज़रूर उसके साथ इस्तेमाल करें। साथ मैंने बनाना लिया है, पाइनएप्पल लिया है, ये मेरे पास ब्लैक ग्रेप्स हैं यानी अंगूर, ये पाइनएप्पल का जूस है, ये फ्रूट केक है, दो जेलीज हैं जैसा आप देख सकते हैं रेड एंड ग्रीन, और ये मेरे पास व्हिपिंग क्रीम है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी जी, मैं दिखाना भूल गई थी, ये है मेरा बनाना कस्टर्ड। और चलिए हम अब इन ग्लास में आपको मैं बताती हूँ कि हम कैसे इसका डेकोर कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने जो हमारा केक था उसके चंक्स जो हैं वो हमने ग्लासेस में डाल दिए हैं। और अब हम इसके ऊपर पाइनएप्पल जूस डालेंगे। अगर आपके पास पाइनएप्पल जूस नहीं है तो आप ऑरेंज जूस, मैंगो जूस, या अगर इनमें से कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप शुगर जो है उसको पानी के अंदर मिक्स कीजिए। जब वो डिज़ोल्व हो जाए तो 2 2 टेबल स्पून जो हैं वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। जब ये मैंने पाइनएप्पल का टिन खोला था, इसके साथ ये जूस अवेलेबल था तो मैं इसी को यूज़ करने लगी हूँ इसके ऊपर जी। तो ये हम अब इसके ऊपर जूस जो है इसको ड्रिजल कर देंगे। चलिए जी, नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कस्टर्ड का। अब हम इसके ऊपर कस्टर्ड को पोर करेंगे। चलिए जी, ये मैंने अब इसके ऊपर कस्टर्ड जो है वो पोर कर दिया है। और अब जो है वो हम इसके ऊपर फ्रूट्स एंड जेलीज की लेयर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम एप्पल लेंगे, एप्पल डाला, तीनों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा हम एप्पल डालेंगे, एंड देन द थर्ड वन। फिर हम लेंगे अपने बनाना, केले की आपकी चॉइस है, आप इसको या तो चंक्स में काट लें या ऐसे इसको सर्कल्स में काट लें, जिस तरह आप लाइक करें। इट्स नॉट एन इशू के क्यूब्स में लेना है या किस तरह लेना है, इट्स अप टू यू। आपको जिस तरह पसंद है आप उस तरह कर लीजिए। ये बनाना हो गया। आज ही मैं फर्स्ट टाइम जो है वो इस तरह ट्राई कर रही हूँ। मैं यूजुअली बिग कंटेनर में बनाती हूँ ऑलवेज। फैमिली तब बड़ी थी, अब जो है वो हम बस 3 लोग हैं, तो इसलिए मैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये कर रही हूँ। बड़े खूबसूरत खूबसूरत जो है वो इस तरह के जार्स ग्लास होते हैं, आप किसी भी तरह ट्राई कर सकते हैं। लीजिए, हमने ये कर लिया। अब हमारी टर्न है जेलीज की। चलिए जी, ये मैंने रेड जेली जो है इसको डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर जो है ये डालूंगी ग्रेप्स, ब्लैक ग्रेप्स, आपकी मर्ज़ी, आप ग्रीन ग्रेप्स, ब्राउन ग्रेप्स, सॉरी ब्राउन नहीं, रेड ग्रेप्स, कलर उनका ज़रा ब्राउनिश रेड होता है, तो वो डाल लीजिए। जोन सा आपको पसंद है वो डाल लीजिए। और अब हम इसके ऊपर
क्रीम पोर करेंगे। चलिए जी, ये मैंने इसके ऊपर जो है, ये मेरे पास फॉर्म क्रीम थी, मैंने जो है इसके ऊपर ये डाल दी है। अब मैं इसके ऊपर दोबारा से प्रोसेस रिपीट करूँगी और देन ग्रीन जेली को पोर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं अगेन केक की लेयर लगाऊंगी, फिर उसको सोक करूँगी पाइनएप्पल जूस के साथ, देन कस्टर्ड, देन फ्रूट्स, देन ग्रीन जेली एंड इन द एंड अगेन क्रीम, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ लीजिए, फाइनल लुक जो है वो तैयार है ट्राइफल की। ये देख लीजिए, ऊपर जो है वो मैंने फ्रेश चेरीज जो है वो डाल दी हैं। काइंडली कोशिश किया कीजिए कि जो चीज़ फ्रेश अवेलेबल हो, स्पेशली जो हम लोगों की तरह लोग बाहर रहते हैं, हर चीज़ मिलती है, तो कैन फ्रूट से, कैन वेजिटेबल्स से, इन चीज़ों से जो है अवॉइड किया कीजिए। और ये है फाइनल लुक, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू सो मच एंड ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।